हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 17 अक्टूबर 2020 और 17 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 16 अक्टूबर। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे यानी WFD विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को उन लोगों में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित हैं, और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। वर्ष 2020 के वर्ल्ड फूड डे की थीम रखी गई है ग्रो नॉरिश सस्टेन टूगेदर। इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानव जीवन अधिकार है। WFD यानी वर्ल्ड फूड डे 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी AFO की स्थापना को भी याद करता है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय इटली के रोम में है और इसके वर्तमान समय के अध्यक्ष हैं क्यो डोंग्यू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया है? अभी हाल ही में अपने देश भारत को दोबारा से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष बनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, भारत। वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में कुल 53 सदस्य देशों और 5 हस्ताक्षरकर्ता और भावी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फिजी और नाउरू को, अफ्रीका क्षेत्र के लिए मॉरिशस और नाइजर को, यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए UK और नीदरलैंड को, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्र के लिए क्यूबा और गुयाना को। ISA का मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है और ISA के वर्तमान समय के लीडर हैं उपेंद्र त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर बनाए जाने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने राज्य में एक ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए की निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी, जिससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और 2022 तक चालू हो जाएंगे। प्रस्तावित 300 किलो टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता परियोजना से स्थानीय आदिवासी क्षेत्र में युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। नई सुविधा गुजरात में हिंदुस्तान जिंक के लिए पहली जीरो डिस्चार्ज तकनीक के साथ स्थापित की जाएगी और दुनिया में सबसे कम लागत वाली स्मेल्टरों में से ये एक होगी। हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सबसे बड़ा और जिंक लीड और सिल्वर का भारत का एकमात्र एकीकृत उत्पादक है। गुजरात के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के वर्तमान समय के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किशोर भिमानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? किशोर भिमानी ये एक खेल पत्रकार थे और इनका हाल ही में निधन हो गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन
एसीए पत्रकार, वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट के कमेंटेटर, ये यानी खेल पत्रकार के साथ साथ ये क्रिकेट की कमेंट्री भी करते थे। इनका नाम था किशोर भिमानी और इनका हाल ही में निधन हो गया है। वो 80 और 90 के दशक के एक प्रमुख क्रिकेट के कमेंटेटर थे और चेन्नई के चेपाक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 में टाई छूटे मैच के दौरान ही कमेंट्री के लिए उन्हें सबसे ज्यादा याद किया जाता है। उन्हें 2013 में मीडिया और कमेंट्री के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने मालदीव के 400 मिलियन के सॉफ्ट लोन का विस्तार किया है? अभी हाल ही में एक्जिम बैंक ने मालदीव के 400 मिलियन के सॉफ्ट लोन का विस्तार किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, एक्जिम बैंक। भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक ने मालदीव में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 2,932 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी LOC का विस्तार किया है। इस सॉफ्ट लोन का उपयोग मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोडक्ट यानी GMCP के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जो द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़े कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा की परियोजना है। LOCS या सॉफ्ट लोन रियायती ऋण होते हैं जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं। मालदीव को मिलने वाले सॉफ्ट लोन में कनेक्टिविटी, पानी, सीवरेज प्रोजेक्ट, अरू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, गुलीफालू बंदरगाह, हनीमाथू एयरपोर्ट और सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है और इसके यानी एक्जिम बैंक के वर्तमान समय के CEO हैं डेविड रस्किना। आपको याद रखना है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, लेकिन एक्जिम बैंक की स्थापना उसके 6 महीने से पहले 1 जनवरी 1982 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरोनबाई जिनबेकोव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? सोरोनबाई जिनबेकोव ये अभी तक किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, किर्गिस्तान। हाल ही में किर्गिस्तान के वर्तमान समय के राष्ट्रपति थे सोरोनबाई जिनबेकोव, इन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें पद से हटाने की मांग के चलते 10 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 4 अक्टूबर 2020 को संसदीय चुनाव ने राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया, जिससे पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी। वर्तमान समय किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और किर्गिस्तान की मुद्रा है किर्गिस्तानी शोम और इसके अभी तक तो प्रेसिडेंट यही थे सोरोनबाई जिनबेकोव और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नए प्रेसिडेंट जब भी बनेंगे उनके बारे में आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस बैंक द्वारा समर्थित 5,718 करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा समर्थित 5,718 करोड़ रुपए की स्टार्स परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, विश्व बैंक। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स यानी स्टार्स के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। स्टार्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए की है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3700 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। ये परियोजना 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा को कवर करेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $1 मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? अभी हाल ही में अपने देश भारत ने फिलिस्तीन के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $1 मिलियन की सहायता राशि की प्रदान की है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, फिलिस्तीन।
भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी UNRWA में $1 मिलियन की सहायता राशि का योगदान दिया है। ये सहायता राशि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के अन्य कार्यक्रमों और सेवाओं में योगदान देगी। रामल्ला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का एक हिस्सा है। साथ ही भारत यह फिलिस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएं और आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने में UNRWA की गतिविधियों को समर्थन करना जारी रखेगा। UNRWA यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, इसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, इसकी स्थापना आपको याद रखना है। स्थापना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे इसकी स्थापना 1950 के दशक में की गई थी। इसका मुख्यालय जॉर्डन के अम्मान में है और इसके वर्तमान समय के कमिश्नर जनरल हैं फिलिप लाजारेनी। अगर आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है तो UN के बारे में रखना है और UN की स्थापना 1945 में हुई थी 24 अक्टूबर को। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में भारत पे ने अपने अभियान के लिए कितने क्रिकेट स्टार्स को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था 11 और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे बोलूंगा जरूर, आप क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिविजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने COVID-19 की नई वैक्सीन एपिवा कोरोना को मंजूरी प्रदान कर दी है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, अमेरिका, रूस, चाइना और साउथ कोरिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपरली रिविजन हो सके। अगर आपको हमारे किसी भी वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां पर आपको सारी वीडियो एक साथ अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।